आज इस प्रेस मीट में ईस्ट जोन के तरफ से दो इम्पॉर्टेंट जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम हुआ, उसमें एक सेंसेशनल मर्डर केस जिसमें राउडीज का इन्वॉल्वमेंट था, और जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी के लीडरशिप में सभी अक्यूज्ड रिकॉर्ड टाइम में अरेस्ट हुए, और उसके बाद रिकवरी ऑफ सेलफोन स्नैचिंग का जो केस था वो भी 24 आवर्स में डिटेक्ट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मानसून का जो महीना है इसमें बहुत बारिश हो रही है, और हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के साथ मिलकर 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 16 प्लेसेस, 16 जगह ऐसे हैं जहां लो लाइंग एरिया है, वहां पे बारिश होने से पानी जमा होता है, और वहां पे हमारे ऑफिसर्स 24 आवर्स शिफ्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसमें आप लोगों से, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि खास करके ऐसे एरिया में जहां थोड़ा वाटर लॉगिंग होता है गाड़ी लेकर नहीं जाएं, उससे ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम होता है और आपको स्लिप करने का भी चांस है। इसके साथ आज ऑपरेशन मुस्कान, जैसा कि आप जानते हैं ये नेशन वाइज साल में दो बार ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक हैदराबाद सिटी में 272 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, जिसमें बहुतों को उनके पेरेंट्स के पास और कुछ को रेस्क्यू होम के पास भेजा गया। आज आप लोगों से हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, ट्रैफिक विंग के तरफ से, खास करके कोरोना पीरियड में जो ऑर्गन डोनेशन का एक डिमांड आता था वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और कंट्री में जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद सिटी एक मेडिकल और हेल्थ कैपिटल है। यहाँ हर बड़े बड़े शहर से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो लाइव ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक 17 केसेस, जिसमें कि ऑल ग्रीन चैनल बताकर रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट से हॉस्पिटल शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गन्स का काम हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ने किया है। आज हमारे विमेन पुलिस ऑफिसर्स जो नए बैच के आए हैं, पिछले 2 सालों से तेलंगाना गवर्नमेंट में जो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है, जिसके तहत हर टोटल वैकेंसी का 30% विमेन ऑफिसर्स के लिए रिजर्व है, उसके तहत नए विमेन ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी हो, रोड पर किसी दूसरे किस्म का ड्यूटी हो, रात में, दिन के वक्त, बारिश के समय, सब बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं। और इसीलिए उनको एनकरेज करने के लिए कुछ ऑफिसर्स जिनके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आज उनको हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे। हमारे आईटी सेल के तरफ से एसीपी राजा वेंकट रेड्डी साहब के लीडरशिप में जो हॉकआई एप्लीकेशन है, हॉकआई के तहत लॉस्ट टेलीफोन को ट्रेस करने का भी सिस्टम है उसमें, IMEI सिस्टम के द्वारा। तो आज हमारे कुछ रिसीवर्स भी आए हैं जिनको कि दिया जाएगा, और सबके तरफ से पब्लिक को एक मैसेज कि अगर आपके पास किसी कारणवश आपका सेलफोन गुम हो गया तो आप हॉकआई एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू। रेडियो।